बताइए नाम बताइए। सर मेरा नाम राकेश चौहान है, पहले मैं जॉब करता था स्पोर्ट लाइन में, ऑफिस वाला जो भी था, और मुझे करियर में 15-16 साल से ऊपर हो गए छोड़े हुए, और मैं ई रिसेल लाइन में आया, और ई रिसेल लाइन मुझे अच्छा लगा। उस टाइम में अच्छा चल रहा था, लेकिन जब से ये पुरानी ये नए पुराने का चक्कर हो गया, हम लोगों ने स्टेशन आपकी गाड़ी ली और पुरानी गाड़ी को हम लोगों ने बेच दिया। इस बिहार पे लेकर हम लोग इज्जत से और ईमानदारी से कमाएंगे और खाएंगे और लोगों का सेवा करें, लोगों का सेवा भी करेंगे, लेकिन हम लोगों का परिणाम उसका उल्टा हुआ, क्योंकि आज तक सरकार उन नाजायज गाड़ियों को आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाई, क्या करना क्या नहीं करना है, और हम लोग इस टाइम में भूखे कगार पर खड़े हैं, क्योंकि जो हमारी अगर 100 गाड़ियाँ पुरानी अगर नई हमारी हैं तो 300 गाड़ियाँ अवैध तरीके चल रही हैं, जो कि मेट्रो की इजाज़त हमें नहीं है, जो कि नाजायज गाड़ियाँ जा रही हैं वहाँ पर, ऐसा क्यों मैं ये पूछना चाहता हूँ। प्लस हम लोग सुरक्षा भी नहीं है, ना पुलिस दे रही है और ना ट्रैफिक पुलिस दे रही है, हम लोग ट्रैफिक पुलिस से बात भी करते हैं, हमारे हाथ में नहीं है, राज्य के हाथ में है, राज्य से पूछो तो कहती नहीं वो केंद्र के हाथ में है, केंद्र कहता है नहीं राज्य के हाथ में, वो ट्रैफिक पुलिस के हाथ में, तो सर हम लोग जाए किसके पास, हमें सीधा रास्ता चाहिए, रास्ते हम लोग को अभी गाड़ी का फिटनेस भी कराते हैं, हम लोग सारे धारा हम लोग ऊपर लगते हैं, लेकिन पुरानी गाड़ी पर एक भी धारा है नहीं, ऐसा क्यों? हम लोग की गाड़ी 1.5 लाख की पड़ रही है, एक ही 20 या 30 हज़ार की गाड़ी पड़ रही है, इनकम हुई है, हम साल में फिटनेस भी दे रहे हैं, हम किस बेस पे थे, फिर भी उस काम को हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग। और आपका सपना यह था अच्छा सा हमारा घर हो और हमारी फैमिली पढ़े लिखे, एजुकेशन हो, जो हम कर रहे हैं उसको हमारे बच्चे ना करें, उससे अच्छे करें और उनका भविष्य उज्ज्वल। मैं हमारा सपना अभी भी यही है और पहले भी सपना हमारा यही, लेकिन अब उस कगार पे हम नहीं, जो हमें चली स्थिति उसके बदलते जा रहे हैं, रोजगार छीने जा रहे हैं।